वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह देहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एम्ब्लाई फैक्ट्री के समीप 3 अक्टूबर को हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस अधीक्षक ने नए कंट्रोल रूम में किया खुलासा। दमोह शहर के बीचों बीच पुलंदी चौराहे के समीप रहने वाले एक युवक का 3 अक्टूबर को एम्ब्लाई फैक्ट्री के समीप शव मिला था, जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसको लेकर नए कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस घटना के संबंध में खुलासा किया गया। आइए सुनते हैं पूरे घटनाक्रम के बारे में। थाना दमोह देहात क्षेत्र में 3 अक्टूबर को एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। ये इमलाई फैक्ट्री के पास जो खेत और जो झाड़ियां हैं, इसमें डेड बॉडी मिली थी। प्रारंभ में शव अज्ञात था, लेकिन बाद में यह विक्की रेकवार उम्र 36 वर्ष के नाम से, यह जो कि पापर मागज वार्ड बकुली तिराक रहने वाला था, वो शिनाख्त हुआ। चूँकि डेड बॉडी डिकम्पोज थी, इसका पीएम कराया गया और पीएम रिपोर्ट में इसकी जो हत्या करके धारदार हथियार से हत्या करना उसका उल्लेख था। इस आधार पर 8 अक्टूबर को अज्ञात आरोपित प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। चूँकि यह ब्लाइंड था और बड़ा गंभीर प्रकरण था, इसलिए मेरे द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना प्रभारी दमोह देहात और उसकी टीम के द्वारा PS-10 और साइबर की मदद से हम उस आरोपी तक पहुँचे और इस घटना को 2 व्यक्तियों के द्वारा, जो इसमें इसका एक रिश्तेदार था पप्पी रेखवार, जो इसका रिश्ते में साड़ू भी लगता था, यह मूलतः ड्राइवर था और उसका क्लीनर है अशोक रेखवार, जो दोनों पन्ना जिले के रहने वाले थे। यह अपने साड़ू के यहाँ आए थे, रिश्ते में आए थे और यहाँ पर 3 साथ में बैठ के दारू पी और अचानक रात में जो 30 तारीख की रात को ये उनके साथ घटना घटित की है। दोनों आरोपी को ने जुर्म स्वीकार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त चाकू, पत्थर और जो गाड़ी है वो भी जब्त कर लिए। आरोपी को न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेजा गया है। वजह मूलतः तो यह, चूँकि उसका साड़ू भाई था, यह अपने साली से एक पक्षी प्रेम भी करता था। साली साड़ू से शिकायत करती रहती थी कि ये जो मुझे शराब पीकर आए दिन मारते पीटते परेशान करते रहते थे, तो उससे परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए ये घटना कारित की है। सर, पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार काम में गश्त करवाई जा रही है, आपके नेतृत्व में किस प्रकार की सफलता मिली है? पुलिस मुख्यालय के द्वारा हर 15 दिवस में या समय समय पर कॉम्बिंग गश्त के निर्देश हैं और उसी निर्देशों के अनुरूप कल रात में जिले के सारे अधिकारी, सारे थाना प्रभारी और थाने का मैक्सिमम फोर्स, उनके द्वारा कॉम्बिंग गश्त की गई है और इस कॉम्बिंग गश्त के दौरान 22 आबकारी के प्रकरण में कार्रवाई की गई है, 1 NDPS प्रकरण में कार्रवाई की गई है, 2 स्थायी वारंट, 35 गिरफ्तारी वारंट जो है इसमें तामील किए गए हैं। उसके साथ साथ 100 से अधिक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर, दीपावली के पहले जो गुमे हुए मोबाइल थे लोगों के मिले हैं, किस प्रकार के मोबाइल मिले हैं?